दिल्ली में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, मुंबई भी परेशान है। एम्स ने ओपीडी में आने वाले मरीजों की भर्ती पर कब तक के लिए रोक लगाई। मेट्रो पकड़ेगी रफ्तार, रखें किन बातों का ख्याल। दिल्ली मुंबई से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए न्यूज टॉप 9 दिल्ली मुंबई में। दिल्ली में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो 2 महीने बाद सबसे ज्यादा है। राजधानी में इस समय कोरोना के 16,500 एक्टिव केस हैं और कुल करीब 4,500 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट घटकर 88.31% पर आ गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कल कोरोना के 1,622 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर करीब 1.5 लाख हो गई है। इसमें 20,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं और 7,724 मरीजों की मौत हो चुकी है। कल महाराष्ट्र में 17,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। दिल्ली एम्स ने ओपीडी में आने वाले मरीजों को भर्ती करने पर 2 सप्ताह की रोक लगा दी है। एम्स की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब ओपीडी में आने वाले मरीजों को जनरल और प्राइवेट दोनों में से किसी वार्ड में भर्ती नहीं किया जाएगा। हालांकि ओपीडी में आने वाले मरीजों को देखा जाएगा और उन्हें परामर्श दिया जाएगा। 5 महीने से थमी मेट्रो सेवा 7 सितंबर से एक बार फिर पटरी पर दौड़ने को तैयार है। इस दौरान लोगों को कड़ी सुरक्षा जांच के बीच गुजरना पड़ेगा और स्मार्ट कार्ड होने पर ही वे सफर कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो को लाइन वाइज शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग स्टेज में धीरे धीरे मेट्रो का परिचालन पूरी तरह से शुरू होगा। कंटेनमेंट जोन में मेट्रो स्टेशन नहीं खुलेंगे। पहले स्टेज में मेट्रो 7 सितंबर को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक चलेगी। इस दौरान रैपिड मेट्रो और येलो लाइन ही शुरू होगी। 9 सितंबर से ब्लू लाइन और पिंक लाइन शुरू की जाएंगी। स्टेज 1 के तीसरे फेज में 10 सितंबर से रेड लाइन, ग्रीन लाइन और वॉलेट लाइन मेट्रो को शुरू किया जाएगा। स्टेज 2 में 11 सितंबर से मेट्रो सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक और शाम 4 से 10 बजे तक चलेगी। स्टेज 2 में मेजेंटा लाइन और ग्रे लाइन को भी खोल दिया जाएगा। वहीं स्टेज 3 12 सितंबर से लागू होगा, जिसमें दिल्ली मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। इस दौरान एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को भी शुरू किया जाएगा। कोरोना काल में दिल्ली से सटे नोएडा की सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। करीब 7,000 फैक्ट्रियों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इनमें काम करने के लिए मजदूर ही नहीं है। गौतम बुद्ध नगर जिले में करीब 20,000 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन मजदूरों के न होने से फैक्ट्री बंद है। कारोबारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। घटना बीटा 2 थाना क्षेत्र की है, जहां 14 साल की लड़की से दुष्कर्म किया गया है। आरोपी और पीड़िता का घर आमने सामने है। बताया जा रहा है कि लड़की के माँ बाप घर पर नहीं थे। इसी दौरान आरोपी ने उसे झांसा देकर घर में बुलाया और दुष्कर्म किया। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा है। इन लोगों की मांग है कि लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल 3 महीने की फीस माफ करें। सभी गार्जियन डीएम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है, जब तक बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक वे लोग भूख हड़ताल जारी रखेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।